सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। एंड दोस्तों, अगर आप रेडमी का रेडमी 12 5G डिवाइस परचेस करना चाहते हैं या फिर दोस्तों अगर आपने रेडमी 12 5G डिवाइस को परचेस किया है, सो आज का ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इसी रेडमी 12 5G डिवाइस के कैमरे सेटिंग्स, कैमरा फीचर्स एंड टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बात करने वाले है। क्योंकि दोस्तों इस डिवाइस में आपको 50 मेगापिक्सल का ड्यूल सेटअप कैमरा मिल जाता है। एंड वैसे भी दोस्तों ये फोन अमेजोन की सेल में काफी सस्ता हो चुका है, अंडर 10K प्राइस पॉइंट पे आपको ये फोन मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं कि Redmi 12 5G डिवाइस में क्या कुछ कैमरा सेटिंग्स, कैमरा फीचर्स मिल जाते हैं। सो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखते रहिए। तो दोस्तों ये है Redmi का सबसे सस्ता 5G स्मार्टफोन Redmi 12 5G। वैसे जो फोन है Amazon की सेल में काफी सस्ता हो चुका है, क्योंकि दोस्तों Amazon की सेल में इस फोन का ऑफिशियल प्राइस यहाँ पे 12,000 रुपए हो चुका है एंड बैंक ऑफर आपको 1,200 रुपए का मिल जाता है। सो कुल मिला के आपको 10,800 रुपए में ये फोन मिल जाता है। सो चलिए फ्रेंड्स, कैमरा सेटिंग्स, कैमरा फीचर्स जानने से पहले इस फोन की कैमरा स्पेसिफिकेशंस के बारे में जान लेते हैं। तो इस Redmi 12 5G डिवाइस में 50 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा मिल जाता है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ लेंस मिल जाता है। एंड इसके अलावा दोस्तों सेल्फी कैमरे के बारे में बात करेंगे तो 8 मेगापिक्सल का यह सुपर सेल्फी कैमरा भी मिल जाता है। सो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं कैमरा एप्लीकेशन को स्टार्ट एंड देखते हैं कि इसमें आपको क्या कुछ कैमरा सेटिंग्स एंड कैमरा फीचर्स मिल जाते हैं। वैसे दोस्तों आपको यहाँ पे MIUI का कैमरा मिल जाता है, लेकिन लाइटर वर्जन का कैमरा मिल जाता है, कस्टमाइजेशन ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेंगे। तो चलिए सबसे पहले मोड के बारे में बात करेंगे, जो कि इस फोन में 50 मेगापिक्सल का डेडिकेटेड प्रो मोड मिल जाता है। सो 50 मेगापिक्सल में जाएंगे एंड 50 मेगापिक्सल में आने के बाद आपके सामने देख सकते हैं यहाँ पे 1x एंड 2x, बस दो ही यहाँ पे जूमिंग के मोड देखने को मिल जाते हैं। सो 50 मेगापिक्सल मोड में 2x मोड से ज्यादा यहाँ पे जूमिंग नहीं कर सकते। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे राइट साइड में, तो राइट साइड में हमको यहाँ पे फिल्टर का ऑप्शन मिल जाता है। सो अगर आपको 50 मेगापिक्सल में फिल्टर वगैरह अप्लाई करना है, सो फिल्टर भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ट्राई करेंगे ऊपर के कॉर्नर पे, आपको यहाँ पे फ्लैशलाइट का बटन मिल जाता है। एंड इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे मेनू फंक्शंस के बारे में। सो मेनू फंक्शन में आने के बाद आपको यहाँ पे कस्टमाइजेशन के काफी सारे फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि फ्लैशलाइट को कस्टमाइज करना है, सो फ्लैशलाइट को कस्टमाइज कर सकते हैं, टॉर्च जैसे ऑन भी रख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे अगर आपको ग्रिड लाइन को ऑन करना है, तो ग्रिड लाइन में भी आपको काफी सारे कस्टमाइजेशन मिल जाते हैं। एंड इसके अलावा दोस्तों ग्रिड लाइन में भी आपको कस्टमाइजेशन मिल जाते हैं, जैसे कि रेक्टेंगुलर है, सर्कुलर है। उसके बाद जैसे अगर आपको टाइमर वगैरह चाहिए तो यहाँ पे 3 सेकंड्स, 5 सेकंड, 10 सेकंड्स का टाइमर भी मिल जाता है। एंड इसके अलावा दोस्तों बजट फोन में भी हमको यहाँ पे वॉइस शटर का फीचर मिल जाता है। जैसे दोस्तों मैंने वॉइस शटर को ऑन किया है एंड जस्ट हमको बोलना है चीज, तो मैंने यहाँ पे चीज बोले तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे देख सकते हैं विदाउट टच फोटो यहाँ पे कैप्चर हो चुका है। सो वॉइस शटर का भी फीचर आपको इस बजट डिवाइस में मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे कैमरा सेटिंग्स, तो सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे वाटरमार्क का भी फीचर मिल जाता है। सो अगर आपको कस्टम वाटरमार्क सेट करना है, फिल्म मोड का वाटरमार्क सेट करना है, तो वो भी फीचर आपको मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों स्मार्ट सजेशन है, नोटिफाई अबाउट ओरिएंटेशन, वो भी फीचर मिल जाता है, पिक्चर क्वालिटी वो भी सेट कर सकते हैं। बाकी जो बेसिक टाइप के फीचर्स है वो भी आपको इस बजट फोन में देखने को मिल जाते हैं। तो सारे बेसिक टाइप के सेटिंग्स आप इस फोन में कंट्रोल कर सकते हैं। एंड इसके बाद दोस्तों अगले मोड के बारे में बात करेंगे, जो कि इस फोन में आपको डेडिकेटेड नाइट मोड का भी फीचर मिल जाता है। एंड इस नाइट मोड में अगर आपको जूम करना है तो 1x एंड 2x ऐसे जूमिंग के मोड मिल जाते हैं, बट अगर आपको मैक्सिमाइज जूम करना है तो आपको यहाँ पे मैक्सिमम दे सकते हैं 10x तक जूमिंग करने का भी सपोर्ट मिल जाता है। बाकी दोस्तों मेनू फंक्शन के बारे में बात करेंगे तो आपको यहाँ पे एस्पेक्ट रेशियो का फीचर मिल जाता है। सो अगर आपको यहाँ पे फ्रेम को चेंज करना है, जैसे कि 3:4 है, 9:16 है, फुल फ्रेम है, उसके बाद मूवी फ्रेम है, सो आपको यहाँ पे एस्पेक्ट रेशियो का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। एंड इसके लिए दोस्तों नाइट मोड में अगर आपको ग्रेडियंट को ऑन करना है, सो कस्टमाइजेबल आपको ग्रेडियंट का भी सपोर्ट इस ड्रेस में देखने को मिल जाएगा। बाकी दोस्तों वॉइस शटर का फीचर वो भी आपको इस ड्रेस में मिल जाता है। एंड जो बेसिक टाइप की कैमरे की सेटिंग्स है वो भी आप नाइट मोड में कर सकते हैं। चलिए दोस्तों बात करेंगे अगले मोड के बारे में, जो कि है डेडिकेटेड पोर्ट्रेट मोड। एंड आप में से काफी सारे लोग इस फीचर को, मतलब इस मोड को ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं। सो पोर्ट्रेट मोड में जाएंगे एंड पोर्ट्रेट मोड में आने के बाद आपको यहाँ पे जूम करने का कोई भी सपोर्ट देखने को नहीं मिलता, क्योंकि यार पोर्ट्रेट मोड में वैसे भी जूमिंग का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता। बाकी पोर्ट्रेट मोड में जो बोके की वैल्यू, मतलब कि बैकग्राउंड कितना ब्लर करना, वो भी सेट कर सकते हैं। बाकी मेनू फंक्शंस के बारे में बात करेंगे तो आपको यहाँ पे एस्पेक्ट रेशियो का भी सपोर्ट मिल जाता है, 9:16 है, फुल फ्रेम है, उसके बाद मूवी फ्रेम है। सो एस्पेक्ट रेशियो अगर आपको चेंज करना है तो एस्पेक्ट रेशियो को भी चेंज कर सकते हैं। इसके लिए जैसे बात करेंगे आपको कस्टमाइजेबल डेडिकेटेड ग्रिड लाइन का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। इसके बाद आपको टाइमर्स का भी सपोर्ट मिल जाता है, वॉइस शटर का फीचर मिल जाता है एंड डेडिकेटेड जो भी कैमरा सेटिंग्स है वो भी आपको बेसिक टाइप की कैमरा सेटिंग्स पोर्ट्रेट मोड में भी देखने को मिल जाती है।
इसके बाद दोस्तों बात करेंगे अगले मोड के बारे में, जो कि डेडिकेटेड फोटो मोड है, मतलब ये नॉर्मल ए फोटो मोड है। सो फोटो मोड में आने के बाद अगर आपको जूम करना है सो 1x 2x 3x एंड मैक्स टू मैक्स देख सकते हैं। अगर आपको जूम करना है तो 10x तक आपको जूमिंग करने का सपोर्ट मिल जाता है। एंड इसके अलावा दोस्तों राइट साइड के कॉर्नर पे देख सकते हैं हमको यहाँ पे फिल्टर का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। सो अगर आपको नॉर्मल फोटो मोड में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फिल्टर्स अगर अप्लाई करना है सो आपको यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फिल्टर्स भी अप्लाई करने का सपोर्ट मिल जाता है। ऊपर के लेफ्ट कॉर्नर पे देख सकते हैं आपको यहाँ पे फ्लैश लाइट का बटन मिल जाता है। बाकी मेनू फंक्शन में जाने के बाद इस फ्लैश लाइट को कस्टमाइज भी कर सकते हैं। बाकी एस्पेक्ट रेशियो का भी सपोर्ट मिल जाता है, मतलब कि फ्रेम की साइज को चेंज करना है तो फ्रेम की साइज को भी चेंज कर सकते हैं। एचडीआर मोड को ऑन ऑफ कर सकते हैं, एचडीआर मोड को ऑटो पर भी सेट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको ग्रिड लाइन का सपोर्ट चाहिए तो ग्रिड लाइन का भी सपोर्ट नॉर्मल फोटो मोड में भी देखने को मिल जाता है। बाकी दोस्तों आपको यहाँ पे डेडिकेटेड यहाँ पे टाइमर्स का भी सपोर्ट मिल जाता है। एंड सबसे मेन चीज की अगर आपको यहाँ पे गूगल लेंस का सपोर्ट चाहिए तो यहाँ पे गूगल लेंस का भी सपोर्ट मिल जाता है। सो डायरेक्टली यहाँ से फोटो मोड से गूगल लेंस को भी एक्सेस कर सकते हैं। एंड इसके बाद दोस्तों वॉइस चैटर का भी सपोर्ट आपको फोटो मोड में मिल जाता है। इसके बाद आपको टिल्ट शिफ्ट का भी फीचर फोटो मोड में देखने को मिल जाएगा। बाकी दोस्तों अगले मेनू फंक्शन के बारे में बात करेंगे तो आपको टाइम बस का फीचर मिल जाता है, मतलब दोस्तों नंबर ऑफ फोटोज एंड नंबर ऑफ टाइम इंटरवल्स, मतलब कि इतने इतने टाइम पीरियड में अगर आपको फोटोज कैप्चर करना है तो क्विकली एक साथ फोटोज कैप्चर कर सकते हैं। एंड बाकी जो बेसिक टाइप की सेटिंग्स है वो भी आपको नॉर्मल फोटो मोड में भी देखने को मिल जाती है, तो सारे के सारे सेटिंग्स को भी कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे अगले मोड के बारे में, जो कि आपको डेडिकेटेड वीडियो मोड का सपोर्ट मिल जाता है। एंड इसी वीडियो मोड के जूमिंग के बारे में बात करेंगे तो आपको 1x 2x का मोड मिल जाता है। एंड अगर आपको मैक्सिमम जूम करना है तो मैक्सिमम आपको यहाँ पे 6x तक आपको मैक्सिमम जूमिंग करने का सपोर्ट मिल जाता है। लेकिन दोस्तों 6x में जैसे ज्यादा बेटर आपको वीडियो क्वालिटी देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि पिक्सल काफी फट जाएंगे। इसके अलावा से बात करेंगे टॉप राइट कॉर्नर पे आपके यहाँ पे फ्लैशलाइट का बटन मिल जाता है। मेनू फंक्शंस के बारे में बात करेंगे तो अगर आपको फ्लैशलाइट को कस्टमाइज करना है, टॉर्च जैसा ऑन करना है तो फ्लैशलाइट को भी कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके अलावा से बात करेंगे अगर आपको वीडियो का रेजोल्यूशन चेंज करना है सो 720 एंड 1080 पिक्सल का ही सपोर्ट मिल जाता है, वो भी 30 FPS के साथ। सो वीडियो रिकॉर्डिंग करना है तो आपको यहाँ पे ज्यादातर कोई भी सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा से बात करेंगे अगर आपको ग्रिड लाइन का सपोर्ट चाहिए तो ग्रिड लाइन का भी सपोर्ट मिल जाता है। मूवी फ्रेम जैसा सेट करना है तो एस्पेक्ट रेशियो को भी चेंज कर सकते हैं। एंड इसके अलावा से बात करेंगे जो भी बेसिक टाइप की सेटिंग्स है वो भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियोग्राफी में मुझे कहीं भी यहाँ पे स्टेबिलाइजेशन का सपोर्ट देखने को नहीं मिला है। एंड स्मूथनेस के बारे में बात करेंगे तो आपको यहाँ पे सिर्फ 30 FPS का ही सपोर्ट देखने को मिल जाता है। चलिए दोस्तों बात करेंगे सबसे लास्ट मोड, मतलब कि लास्ट फीचर के बारे में, जो कि आपको टाइम लैप्स का फीचर मिल जाता है। एंड इसी टाइम लैप्स में अगर आपको कैमरे की मैनुअल सेटिंग को कस्टमाइज करना है तो कैमरा सेटिंग्स को भी कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसे कि वाइट बैलेंस को कस्टमाइज कर सकते हैं, ऑटो फोकस को कस्टमाइज कर सकते हैं, ईवी की वैल्यू को भी कस्टमाइज कर सकते हैं। सो कैमरे की मैनुअल वैल्यू सेट करना है सो भी आपको सपोर्ट देखने को मिल जाता है। एंड इसके बाद दोस्तों लेफ्ट साइड में चेक करेंगे सो अगर आपको टाइम लैप्स का जो स्पीड है वो ड्यूरेशन है वो अगर आपको कस्टमाइज करें तो आपके सामने दे सकते हैं ड्यूरेशन एंड जो स्पीड है उसका भी मीटर मिल जाता है। सो यहाँ से आप अपने टाइम लैप्स का जो वीडियो का स्पीड है उसका जो ड्यूरेशन है वो काफी आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों टाइम लैप्स में अगर आपको फ्लैशलाइट चाहिए तो फ्लैशलाइट को भी कस्टमाइज कर सकते हैं। मेनू फंक्शन में जाने के बाद जो वीडियो का रेजोल्यूशन वो भी कंट्रोल कर सकते हैं। फ्रेम की जो एवरेज है, मतलब कि सेंटर वेटेड है, एवरेज है, उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको एस्पेक्ट रेशियो सेट करना है, मूवी फ्रेम सेट करना है तो मूवी फ्रेम को भी सेट कर सकते हैं। एंड इसके लिए दोस्तों ग्रिड लाइन को ऑन करना है तो कस्टमाइजेबल ग्रिड लाइन को भी ऑन कर सकते हैं अपने टाइम लैप्स में। एंड बाकी जो बेसिक टाइप की सेटिंग्स है वो भी आपको यहाँ पे टाइम लैप्स में देखने को मिल जाती है। वैसे दोस्तों देखा जाए तो इतने सारे अमेजिंग फीचर्स आपको इस ड्रेस में देखने को नहीं मिलते, काफी सारे आपको बजट लेवल की फीचर्स, मतलब लाइटर फीचर्स है आपको इस ड्रेस में मिल जाते हैं, क्योंकि जो फोन है बजट फोन है जो कि आपको सिर्फ अंडर 10 के प्राइस पॉइंट पे मिल जाता है। सो अगर आपको परचेस करना है तो अमेजोन के सेल पे आप इस ड्रेस को परचेस कर सकते हैं। वैसे दोस्तों आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको इस ड्रेस के कैमरा सेटिंग्स, कैमरा फीचर्स कैसे लगे, जो भी फीचर अच्छा लगा हो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आ चुका होगा, तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ एंड फिर मिलेंगे कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।